जी उस वक्त मेरे साथ सिंध के बैट्समैन मौजूद हैं उमैर बिन यूसुफ, जिन्होंने सीज़न में 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। उमैर, पहली मरतबा है कि आपने फर्स्ट क्लास सीज़न में 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, और इस सीज़न में हमने देखा है कि आप ओपन के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी खेलें, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं तो बेसिकली एज आ ओपनर ही मैंने शुरुआत की थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट 19 क्रिकेट भी, लेकिन कुछ टीम के रिक्वायरमेंट की वजह से मैं 4 नंबर पे खेला और मेरी 3 सेंचुरी 4 नंबर पे हुई है। ये फर्स्ट टाइम हुई है 4 नंबर पे, लेकिन एज आ ओपनर ही मुझे ऐसा डिफ़िकल्टीज नहीं है क्योंकि मैं एज आ ओपनर ही पसंद करता हूँ खेलना, लेकिन टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उस वजह से मैं 4 नंबर खेल रहा हूँ। अच्छा, मैं आजकल हम देखते हैं कि यंग प्लेयर्स जो हैं वो T20 को टारगेट करते हैं। अब आपका नाम भी आ रहा है T20 क्रिकेट के लिए, लेकिन आप कन्वेंशनल बैट्समैन हैं, टाइम लेके खेलते हैं, सेशन बाय सेशन खेलते हैं। 3-4 साल से हम आपको देख रहे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये खेलने का थोड़ा सा अपना अंदाज़ बताइएगा। मैं मेरा सिंपल खेलने का तरीका ये है कि जिस फॉर्मेट जो अभी हम खेल रहे हैं उसी पर फोकस करूँ। जैसे कि अभी 4 डे हो रहा है तो उस हिसाब से मैंने खेलना है, जैसे कि आगे 1 डे है तो मैंने उस हिसाब से खेलना है, तो मैं एडजस्ट करता हूँ। एज ए क्रिकेटर प्रोफेशनली हमें एडजस्ट करना चाहिए वो क्या फॉर्मेट है। अगर T20 है तो हमने उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी, फिर उस हिसाब से उसको खेलना है। तो जो भी फॉर्मेट हो तो हमें उस हिसाब से गियर्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं। अच्छा, इंग्लैंड की टीम आ रही है, रन्स आपने लगा दिए हैं, कितने होपफुल हैं? हमारा तो काम यही होता है कि बस परफॉर्म करते रहे, और बाकी तो सेलेक्टर्स का काम होता है वो कितना हमें समझते हैं और क्या करते हैं, बाकी उस चीज़ों पर भी नहीं सोचते, बस जो होगा वो अभी जो फोकस करते हैं अगले मैच पे बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल के, टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, खुर्रम मंजूर हो गए, सरफराज अहमद हो गए, फवाद आलम हो गए, फिर सऊद शकील कप्तान हो गए, इनसे कितना सीखने को मिलता है? मैं तो काफ़ी इनसे काफ़ी सीखता हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, प्रैक्टिस करना, तो एक मुझे एज अ माई सेल्फ स्किल में और एज अ ह्यूमन भी बहुत हेल्प करती है मुझे डेवलप करने में। तो इनका होना मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी टीम में इस तरह के लेजेंड्स मौजूद है। चलिए, आपके लिए बेस्ट विशेज़ और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।